मेरा नाम दानिश लांबे, मैं कोकण से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाफिज आलिम होने के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हूँ और एमए हूँ। दानिश नाम है भाई। आपकी दोस्त मैं थोड़ा सा रिजर्वेशन जो ये बना हुआ नाम जो बना है उस पर थोड़ा सा इनामदार साहब की तकरीर वगैरह के बाद भी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को शायद पता ना हो लेकिन पता हो लेकिन शायद दिमाग में से ओझल हो गई हो। इस मुल्क में सबसे पहले आरक्षण मुसलमानों को हासिल था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। 1906 में लखनऊ पैक्ट से मुस्लिमों को और सिखों को और क्रिश्चनों को आरक्षण हासिल था, और इसी आरक्षण को देखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में अपनी तहरीक की शुरुआत की थी कि हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए तो मुसलमानों जैसा मिलना चाहिए। तो ये आरक्षण 1932 में हमारे से छीन लिया गया। अब आरक्षण रिजर्वेशन है क्या? अगर रिजर्वेशन को समझना है तो एक एसटी के बुकिंग करते हैं, सीट बुक होती है। ये रिजर्व सीट्स, ये रिजर्वेशन किसी भीख का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी में रिजर्वेशन हिस्सेदारी का नाम होता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रिजर्वेशन हरगिज ये जो बातें चलाई जाती है मीडिया में जानबूझ के चलाई जाती है, दिशा भूल करने वाली आइडियोलॉजी से देखें, डेमोक्रेसी के अंदर और सेक्युलरिज्म के एंगल से देखें, आप देखो कि जो जितनी तादाद में है उतनी जगह उसको मिलनी चाहिए। यानी अगर कोई स्टेट की काउंटिंग हो रही है तो मान लो 10% हमें तो 10% हमको मिलना चाहिए। अगर नेशनल काउंटिंग हो रही है तो हमारा 20% अगर नेशनल काउंटिंग में तो हमको मिलना चाहिए। अगर किसी जिले की हो रही है तो उसके लेवल से होनी चाहिए, जिस लेवल से होनी चाहिए उतनी हिस्सेदारी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये रिजर्वेशन और ये जो बुकिंग ऑफ द सीट्स है ये मेरिट के खत्म करने का नाम भी नहीं है। जो चीज जिस कम्युनिटी के लिए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जिस कम्युनिटी के लिए, वो कास्ट बेस्ड हो, रिलीजियस बेस्ड हो, या कोई कुछ लोगों ने कोई आइडियोलॉजी बनाकर बनाई हो, अगर वो उन लोगों के लिए वो सीट बुक होती है और वो समाज के लोग अपने मेरिट के लोग वहां चुनकर भेजते हैं, ये रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन एजुकेशन और जॉब के लिए भी नहीं बना था। पूरी दुनिया के आप रिजर्वेशन पढ़े, अमेरिका के पढ़े, पाकिस्तान के पढ़े, आप जितनी मॉडर्न डेमोक्रेसी से सबके पढ़े, रिजर्वेशन सबसे पहले तीन चीजों में होता है और ये मुसलमान भूल गए। सबसे पहले पार्लियामेंट में, कानून साज असेंबली में, दूसरा रिजर्वेशन होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और तीसरा रिजर्वेशन होता है जुडिशरी में। हम ये भूल गए। हम जब मुसलमान ये भूले हैं तो हम बैकवर्ड, खुद को बैकवर्ड पहले साबित करना पड़ता है आज के सिस्टम में, तब जाकर बोलते हैं कि नहीं भीख ले लो। ये रिजर्वेशन था नहीं और है नहीं। और झूठी झूठी बात, जैसे सर ने अभी बताया 52% वाला संविधान में नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, या मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, संविधान में कहा है, कोई बताए मुझे। संविधान कुछ नहीं बोलता इस बारे में। ये एक बात है जो ठोस दी गई है। कुछ लोगों ने बनाया कि आर्थिक बेसिस पे आरक्षण है ही नहीं। आरक्षण हिस्सेदारी का, इंसाफ का नाम है। जब तक मुसलमान इस इंसाफ को लेकर चलते थे इस मुल्क में अमन था। हम अगर आरक्षण की कोई संयुक्त समिति और कृति बनाना चाहते हैं तो हमारी उड़ान को जरा ऊंची रखें, और जॉब और स्कूल और एजुकेशन में आरक्षण की मांग करें, ना नहीं है, लेकिन हमारी सबसे पहली मांग ये होनी चाहिए कि हमारे को वहां चाहिए, वो तीन जगहों पे चाहिए। ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट एक्चुअल पॉलिटिकल साइंस के अंदर हर जगह पर मौजूद है। बस इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।